हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज हम बनाएंगे होममेड गरम मसाला, जो हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होगा। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हमें चाहिए 5 मराठी मोग्गू, 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, दालचीनी, 1 चक्रा फूल, 1 जावित्री, आधा जायफल, काली मिर्च, काली जीरा, सौंफ, धनिया, तेज पत्ते 2 और कस्तूरी मेथी। हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से। मसाले को जलने नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। हम सारे बड़े मसाले एक बार डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर दूसरी बैच में छोटे मसाले डालेंगे। इसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए, इसे निकाल लेंगे। फिर तेज पत्ता और कस्तूरी मेथी डाल के इसे भी हल्का भून लेंगे। फिर इसे ठंडा होने देंगे। साथ ही साथ बड़ी इलायची के बीन्स काट लेंगे। आपको चाहिए तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, मुझे उसका फ्लेवर थोड़ा ज्यादा लगता है, तो इसे मैं छील के सिर्फ उसके सीड्स डालूंगी। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक कंटेनर में एयरटाइट काट के आप इसे यूज कर सकते हैं। गरम मसाले को ऐड करने से आपकी रेसिपीज में एकदम से टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। इसकी खुशबू ही इतनी लाजवाब होगी, टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई रेसिपी, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।